राजधानी पटना में ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। ऐसे में कड़ाके की ठंड ने बढ़ाई है परेशानी। ब्रेन हैमरेज और हार्ट अटैक के केस बढ़े, अधिकांश के बढ़े मिले बीपी, शुगर और कोलेस्ट्रॉल। IGIMS ब्रेन हैमरेज के 32 मरीज भर्ती, ICU फुल। अब पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से कड़ाके की ठंड ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। ब्रेन हैमरेज और हार्ट अटैक के केस लगातार बढ़ रहे हैं और आलम यह है कि IGIMS में अब बेड भी नहीं मिल रहा, यानी कि ICU फुल हो चुका है। कड़ाके की ठंड की वजह से ब्रेन हैमरेज और हार्ट अटैक के केस बढ़ गए हैं। IGIMS के कार्डियोथोरेसिस विभाग की OPD में जितने मरीज आ रहे हैं उनमें 60% हार्ट अटैक की शिकायत वाले रहते हैं। विभाग के हेड डॉक्टर सील अवनीश ने बताया कि ठंड की वजह से सीने में दर्द और हार्ट अटैक की शिकायत हो रही है। बुधवार को शाम तक यहां ब्रेन हैमरेज के 5 मरीज भर्ती हो चुके थे, यहां अभी इसके 32 मरीज भर्ती हैं। ब्रेन हैमरेज के मरीजों से इमरजेंसी की ICU फुल हो गई है। IGIMS की इमरजेंसी में यदि 40 मरीज भर्ती हो रहे हैं तो उनमें 25 से 30 हार्ट अटैक वाले होते हैं, जिनमें BP, शुगर और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा मिल रहा है। विशेषज्ञों की सलाह, BP की दवा ना छोड़ें। IGIMS के मेडिकल सुपरिटेंडेंट सह उप निर्देशक डॉक्टर मनीष मंडल ने बताया कि ब्रेन हैमरेज वाले अधिकतर मरीज वैसे हैं जिनका BP बढ़ा था और इसकी जानकारी नहीं थी। कुछ मरीज ऐसे भी हैं जिन्होंने BP की दवा छोड़ दी थी या लेना भूल गए थे। कुछ लोगों ने दवा की डोज एडजस्ट नहीं कराई थी। ठंड में BP और शुगर बढ़ जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि BP बढ़ने का कारण यह है कि ठंड में एक्टिविटीज़ कम हो गई है और शरीर से पसीना नहीं निकलता है। पसीना नहीं निकलने से शरीर से नमक नहीं निकलता है और BP बढ़ जाता है। ठंड में रक्त नलिकाएं भी संचालित हो जाती हैं, इस वजह से भी BP बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं ठंड जो है वो लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है और ब्रेन हैमरेज के केसेस अब मानो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और चिंता का विषय भी है। जिस तरीके से IGIMS में बेड फुल हो चुके हैं, ICU के डॉक्टर भी काफ़ी चिंतित हैं और डॉक्टरों का मानना है कि तमाम वैसे मरीज आ रहे हैं जिनका BP बहुत बड़ा है, जिन्होंने BP की दवाइयां नहीं ली है और ठंड में अक्सर BP बढ़ जाया करता है क्योंकि ज़्यादा एक्टिविटी लोग नहीं कर पाते हैं, शरीर से पसीना नहीं निकल पाता है और यह कारण होता है कि BP फ्लैक्चुएट करने लगता है, यानी कि बढ़ने और घटने लगता है। ठंड बेशक ज़्यादा है और लोगों को सचेत रहने की आवश्यकता है। जिला प्रशासन की तरफ से भी लगातार गाइडलाइंस जारी किए जा रहे हैं। लोगों को सलाह दिया जा रहा है कि वो अपने घर में ही रहें, अति आवश्यक और बहुत ज़रूरी काम रहे तभी घर से बाहर निकलें। अपना ख्याल रखें। देश से वसीम की रिपोर्ट।